हेलो फ्रेंड्स, वेदन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं दुबे आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू ही करने वाले हैं अपना पिछला टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। पिछली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक्स पढ़े थे उसके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक क्वेश्चंस से। ठीक है, हम कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे, हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। आप लोगों को भी ऐसा करना है, कंटिन्यू हमेशा हर वीडियो को पूरे तरीके से देखें, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, और जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल्स हैं मयंक विद मैथ्स विद मयंक और वेदन कॉम्पिटिटिव क्लासेस, तो इस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के पहले क्वेश्चन से। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, उसकी स्पीड, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं। देखिए, सबको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बोल दूं इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे देखते हैं, आपको जो गिवन डेटा है उस पर फोकस करना है बहुत ज़्यादा। आपको गिवन क्या है फ्रेंड्स, डी बराबर 600 मीटर, और अगर मैं देखूँगा हमारा टाइम है दैट इज़ 5 मिनट। जैसा कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बोला था कि जब भी आप अगर देखो, पहले तो आपकी जो यूनिट है या तो मीटर सेकंड होनी चाहिए या तो किलोमीटर आर। टाइम मिनट में है, इसे हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। भाई मिनट में चेंज करने के लिए किसका गुणा करते हो आप, 60 का, ओ सॉरी सेकंड में चेंज करने के लिए, मिनट से सेकंड में चेंज करोगे तो 60 का मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा 300 सेकेंड्स फ्रेंड। तो यहाँ पर तो टी हो गया। अब बात रही स्पीड की, तो आप स्पीड ही निकाल ले, डी अपॉन टी। तो आपका क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये आंसर बच्चा लेके बैठ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप मीटर पर सेकेंड, अब आपको आंसर किसने पूछा है ये ध्यान देना है, आपको बोला गया तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं। किलोमीटर प्रति घंटे के लिए आप किसका गुणा करोगे, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में। कल ही मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था, चेंज करना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो, और जब बड़ी यूनिट में चेंज करोगे तो 18 कहाँ आएगा ऊपर, 5 कहाँ आएगा नीचे, तो 18/5 का गुणा करोगे। आपको ये रेशो याद रखना है, और जब किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में जाओगे तो आप किसका गुणा करोगे, 5/18 का, 5/18 का। देखते हैं आप 36/5, 7.2 किलोमीटर पर। देखिए एक चीज और, अब आपका कितना आंसर आया था 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अगर मुझे अब ये 7.2 किलोमीटर पर आया, मुझे किलोमीटर पर आर से वापस मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो मैं किसका गुणा करूंगा, 7.2 था किलोमीटर पर आर में था, लेकिन मुझे छोटी यूनिट में जाना, 5 को अब ऊपर ले लूंगा और 18 को नीचे, पॉइंट हटा दूं, 0 नीचे 10 हो जाएगा। अब ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 4 बार, कितनी बार हुआ 4 बार। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कितना हुआ, 2 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, और यहाँ पर कितना था 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखो मैंने दोनों आपको मल्टीप्लाई करके बता दिए कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में कैसे चेंज करें, किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है, समान दूरी को वह 1/2/3 1:2/3 घंटे में कितनी चाल से तय करेगा, या तय करने में उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है और हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा, दोनों कंसेप्ट देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या दिया है, गिवन पे हम ध्यान देते हैं दोस्तों। तो आपको दिया है डिस्टेंस, दी है क्या भाई, नहीं दिया है। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, स्पीड, मैं S1 इसलिए ले रहा हूँ, दूसरी स्पीड भी निकाली T1 एंड T2, S2 आपको निकालना। ठीक है, हम यहाँ से S1 कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर S1 देख लेता हूँ मैं, S1 मुझे दिया गया है 240 किलोमीटर पर, T1 मुझे कितना दिया गया है अगर मैं देखूँ 5 आर, और ये 1:2/3 आर्स, मतलब
5/3 घंटे। S2 आपको निकालना है। तो देखो दोस्तों, इसे आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपको S1 दिया, T1 दिया, T2 दिया और S2 नहीं दिया। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में सबसे लास्ट में जो फॉर्मूला शेयर किया था, अगर आप उसे यूज़ कर लो तो आपको इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक और ट्रिक है जो कि थोड़ी लंबी पड़ती है, लेकिन उससे भी सॉल्व किया जा सकता। पहले हम देखते हैं अपनी शॉर्टकट ट्रिक। S1 कितना दिया है मुझे? 240। S2 मुझे निकालना है। T2 मेरा कितना है अगर देखो तो 5/3। और T1 कितना दिया गया है? 5। 240 5/15 कैंसिल होगा तो 1/3। S2 इस साइड चला जाएगा। 240 × 3 कितना हो गया? 720 किलोमीटर पर। आपका आंसर कितना हो गया फ्रेंड्स? 720 किलोमीटर पर आर। जो आपका S2 आया वो कितना आ गया? 720 किलोमीटर पर। देखिए और किस तरीके से कर सकते। ये तो शॉर्टकट था, याद रखने वाली बात है। अगर दो स्पीड दी गई है, दो ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग, अब वही ऑब्जेक्ट था, सेम था, उसकी अलग अलग स्पीड दे दी थी, ठीक है। आपको टाइम दिया गया है? हाँ बिल्कुल दिया गया है, T1। और दूसरा क्या दिया गया है आपको? दूसरा दिया गया था, लेकिन डिस्टेंसेस कैसी थी भाई? डिस्टेंसेस थी सेम, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस पे आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन आपका जो टाइम दिया गया है वो थोड़ा अलग अलग था। टाइम आपको दिया गया था 5 घंटे, 5/3 आवर्स। तो आप कुछ मत देखो, आप देखो टाइम को। टाइम अलग अलग था तो स्पीड भी देखो, डिस्टेंस सेम थी, ये भी याद रखना है। इसके लिए डिस्टेंस कैसी थी? सेम, मतलब सेम चीज़ में टाइम बढ़ा सकते हो, घटा तो उसी प्रोपोर्शन में। कौन घटता बढ़ता है? स्पीड्स घटती बढ़ती, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया। अगर ये देखें हम तो इसे और किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे वो भी हम देख लेते हैं। भाई अगर मुझे निकालना था S2 तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो T2। लेकिन मेरे पास क्या नहीं थी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मुझे चाहिए थी। डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ या मुझे दी गई? दी तो नहीं गई है, लेकिन निकाल सकता हूँ क्योंकि सेम डिस्टेंस S1 और T1 के हिसाब से तय करी थी किसने? उसी ने। तो यहाँ पर मैं निकाल सकता था, हाँ बिल्कुल। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? S1 × T1, स्पीड इंटू टाइम। तो S1 T1 था मेरा सेम डिस्टेंस के लिए, हाँ 240 सेम यूनिट है किलोमीटर पर आवर में, तो कोई चीज़ हमें चेंज कर। तो कितना आ गया? 1200 किलोमीटर। तो जब मेरे को 1200 किलोमीटर पता चल गया मेरी थी, तो अब मैं निकाल सकता हूँ S2 बराबर क्या हो जाएगा? 1200 किलोमीटर। और आपका टाइम कितना था? 5/3। तो 1200 × 3/5 ये कितना होता? 3600। कैंसिल किया तो आपका कितना बचा है यहाँ पर? 240 × 3 कितना होगा? 720 किलोमीटर पर आर फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने दोनों तरीके आपको बताए, एक था आपका बिल्कुल बेसिक तरीका जो हम करते हैं डिस्टेंस, और एक था डायरेक्ट। आपको दोनों की स्पीड पता थी, दोनों के टाइम पता थे, डिस्टेंस बिल्कुल सेम थी, तो हम आसानी से कर सकते थे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है और अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारा, ठीक है। इस पर भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठहरावों को छोड़कर बस की गति 54 किलोमीटर पर आवर थी, और अगर हम ठहरावों को छोड़कर तो हमने देखी 54 किलोमीटर पर आवर थी, अगर जोड़कर ठहरावों को जोड़कर बस की गति 45 किलोमीटर पर आवर है। तो यह बताइए 1 घंटे में बस कितनी देर के लिए ठहरती? देखिए कुछ नहीं बोला गया है, ठहरावों को मतलब स्टॉपेज आते हैं ना हमारे, बस स्टॉप आए उन्हें हटाकर अगर देखा जाए तो बस की स्पीड 54 किलोमीटर आवर है, बट अगर उन्हें भी जोड़ लिया जाए वेट को तो टाइम बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बस की स्पीड हो जाती 45 किलोमीटर पर आवर। तो यह बताइए बस कितनी देर के लिए ठहरती है? तो भाई हम देख लेते हैं, S1 आपका कितना है यहाँ? 54 किलोमीटर पर आवर। S2 क्या है यहाँ पर? 45 किलोमीटर पर। भाई ये है आपका स्टॉपेज वाला और ये है आपका विदाउट स्टॉपेज का, ठीक है। अब जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा बता दे रहा हूँ, याद रखना इनके बीच में डिफरेंस कितना है। ये देखो यहाँ से कितना हो रहा है? -9, मतलब कितना है डिफरेंस? 9 किलोमीटर पर आवर का। तो डिफरेंस है अगर आप देखो तो कितना आया स्पीड के बीच में? 9 किलोमीटर पर
माइनस नहीं लिखता हूँ मैं, साइन चेंज हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आ, कुछ नहीं करना है, हमेशा डिफरेंस ऊपर लिखोगे अपॉन जो आपकी ओरिजिनल स्पीड थी वो नीचे 54 थी S1। ये क्या हो गया आपका, आपने ये देखा जितनी देर के लिए आपकी स्पीड कम हो रही, कितनी कम हो रही थी भाई, कितना डिफरेंस था 9 किलोमीटर, वो आपकी ओरिजिनल स्पीड के रिस्पेक्ट में कितने रेशो में आ रहा है। ठीक है, अब उसी रेशो उसी प्रोपोर्शन में आप निकालो, चलो देख लेते हैं, 9 अपॉन 54 कितना हो गया 1/6। लेकिन ये आपका आंसर है क्या? नहीं, ये तो हमारा रेशियो निकला है। अब इसे चेंज करना है आपको किस में भाई? इसे चेंज करना है मुझे टाइम में, टाइम में चेंज करना है। ये आपका एक रेशियो निकला है स्पीड का, हाँ बिल्कुल निकला हुआ है। तो आप इसे कैसे चेंज करोगे भाई? अगर आपका जो कितना आपकी जो स्पीड है कितनी घटी है, यहाँ पर अगर देखा जाए आपकी स्पीड कितनी घटी, 1/6, कितनी कम हुई थी टोटल स्पीड का 1/6, तो आपका टाइम कितना बढ़ेगा हर घंटे का 1/6। तो भाई देख लो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 मिनट का, मतलब 1 आवर का, कैंसिल करो कितना आंसर होगा 10 मिनट। तो आप हमेशा याद रखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, S1 - S2 / S1। S1 यहाँ पर विथ स्टॉपेज है, विदाउट स्टॉपेज है, और ये विथ स्टॉपेज कम वाली स्पीड। यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप हमेशा यूनिट डिपेंड करेगी भाई आपसे, अगर आर में पूछा गया है कि प्रति घंटे में यूनिट दी गई है, तो आप घंटे के हिसाब से कितनी देर के लिए रुकती, तो घंटे के हिसाब से सॉल्व करोगे, सेकंड में दिया जाता तो उस हिसाब से सॉल्व करते। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अभी जो मैंने दिया है यहाँ पर टाइम की जो आपको लिमिट दी भाई, प्रति घंटे की बात हो रही थी यहाँ पर, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है, अगर प्रति मिनट की बात होती तो 1 मिनट, तो यहाँ पर कितना हो जाता, 60 सेकेंड। तो आई होप आपको, आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा है कि हमें क्या करना था यहाँ पर। ठीक है, तो उस हिसाब से तो प्रति, लेकिन ये क्या है आपका ऑप्शनल, तो आप कुछ नहीं करोगे, S1 - S2 / S1 × 1 आवर कितनी देर, घंटे की स्पीड दी जाएगी, मैक्सिमम यही दिया जाता है। तो आप क्या करोगे, 60 मिनट का मल्टीप्लाई कर दोगे भाई जितनी स्पीड घटी, स्पीड कितनी घटी रेशो में, तो आप देखोगे S / S1 मतलब 9/5 मतलब 1/6 कम हो गया, तो टाइम 1/6 बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेम प्रोपोर्शन में ये बढ़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर 1/6 स्पीड घटी है तो 1/6 टाइम बढ़ जाएगा टोटल टाइम से। तो प्रति घंटा देख रहे थे आप, तो इसलिए किसके रिस्पेक्ट में देखा, 60 मिनट के, 60 मिनट के हिसाब से कितना टाइम बढ़ा आपका, 10 मिनट। तो आपका जो टाइम था वो कितना बढ़ा, 10 मिनट बना। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका जो टाइम था बस कितनी देर के लिए रुक रही थी, 10 मिनट के लिए। तो स्टॉपेज कितनी देर के लिए हुआ, 10 मिनट के लिए। आपका आंसर इसमें होगा 10 मिनट, आपका 10 मिनट टाइम बढ़ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कहीं भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आने वाले लेक्चर्स में हम स्पीड डिस्टेंस टाइम के बहुत से क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं आपके बीच में और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.